बंद कर दिया, हम ही नहीं है, हम कहते हैं जो मर्जी निकलो, जितने मर्जी साइज के डंडे ले हमारे बतेरे सारी खवातीन को एक मिनट वेट कर, FIR काटी हुई है मेरे समेत, सब पे 780 है, गिफ्ट में लगा दी है, हमारे पे फाइन लगाए हैं 50-50-60। मेरे वकला ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो आपको एयरपोर्ट पे रोका और झूठा पर्चा किया, इसमें हम मुकदमा दर्ज करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी बनाएंगे। तो उसमें हमने मना कर दिया था कि हम औरत के ऊपर पर्चा नहीं करवाएंगे, तो हमने तो ज़ाती तौर पर अपनी ज़ाती मुदैयत में मैं औरत पे पर्चा करवाने के हक में नहीं हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती नवाज शरीफ को, जब भी वो इक्तदार में आते हैं वो औरतों से दुश्मनी करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो से भी उन्होंने की, आप लोगों से भी कर रहे हैं, औरतों में कीचड़ उछालना, औरतों के ऊपर अटैक करना, ये मेरी समझ से बाहर है, ये उनकी किस तरह की सियासत है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने औरत के पीछे सियासत की है और औरतों से मुकाबला कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप कबूतर नहीं बस तोता ही उड़ा सकेंगे। ये वो खवातीन है जो डटी हुई है, हमने FIR-ों का मुकाबले किए हैं, जेलें काटी हैं, मारे खाई है। आप सारी अब MNA MBA बनने की उम्मीदवार है, जमहूरियत की रखवाली खवातीन, ये आइन की स्पिरिट और जमहूरियत की रखवाली कर रही है। इनमें से बहुत सारी खवातीन को मालूम ही नहीं कि किसी का नाम नहीं है, किसी को नहीं, ये सिर्फ नजरिए पे खड़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, जो यहाँ पे आई है ना, इन्होंने नहीं बनना, जो घर बैठी है इसी में वो बन जाएंगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों के साथ जाती नहीं होगी, ऐसी आई है जो वर्कर को आप देखेंगे। एक चीज देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बाएं जमात के इमरान की चार बहनें आज तक किसी पोजीशन पे नहीं है पार्टी की, ये वर्कर्स है, किसी असेंबली में नहीं है, ये सारी वर्कर्स पहले भी बनी समेत मेरे और इंशाल्लाह आगे भी वर्कर्स बनेंगे। उनकी बेगम पे हजारों दफा कीचड़ उछाला गया, ना वो किसी पार्टी की पोजीशन में, ना उनसे कोई हमें डिक्टेशन दे रही। लेकिन एक चीज मैंने कल देखी, वो एक बड़ा दूर है, वकील है, उन्होंने कोई कौम से खिताब की है बुशरा बीबी ने? वो सियासत शुरू कर दी उन्होंने, तो वो एक खातून है यूसुफ भाई, उन्होंने कोई उनकी तरफ से कौम को कोई खिताब किया है जी? हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम पार्टी के, या तो आप ये कहते हैं ना बार बार कि बुशरा बीबी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो फिर उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए, वो कोर्ट में अपना केस लड़े। लेकिन सेम टाइम में उन्होंने कल कौम के नाम पे पैगाम जारी किया है, उन्होंने मिशाल यूसुफ जी ने पता नहीं क्या, देखिए अपनी कौम से तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल फोरम पे आज तक ना उन्होंने हमें नहीं, वो पॉलिटिकल लोग उसमें यूज हो रहे हैं ना, हमें कोई डिक्टेशन दी आज तक, ना उन्होंने हमसे कभी कॉन्टेक्ट किया है, ना उनकी कभी कोई डायरेक्शन सही नहीं। जो मुझे भी पता है उसका, मुझे भी उनका ये पता है कि वो नॉन पॉलिटिकल, और हम उनके लिए लड़ते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया, खान साहब को टारगेट करने के लिए, बुशरा बीबी को टारगेट किया गया, हमें तक केस में सब खवातीन जाती हैं और कानों से धुएं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले कल जो हेयरिंग है उसमें जरूर आए और सुने कि पाकिस्तान की बहन बेटियों के बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है। मेरे इतना हौसला नहीं है जो चीजें आप वो वादे कि देखिए बुशरा बीबी अकेली खातून नहीं है जिनको तलाक के बाद जिन्होंने शादी के लिए अल्लाह का जो आपकी शरीयत में जिसकी इजाजत है अल्लाह ने हुक्म दिया आप कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारी खवातीन है जो सिंगल मदर्स हैं, अब अगर वो कहीं शादी कर ले और बहुत सारी जवान बच्ची हैं जिनकी गलत शादी हो जाए और दोबारा वो शादी करे तो क्या 5 साल बाद उसका जो सबका खाविंद है वो उठ के उस पर जिना की तोहमतें लगाएगा और 10 साल उसको कैद आप दे देंगे, जेलों में डाल देंगे? सो हम तो इसलिए खड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और अगर इस तरह के केसेस कंक्लूड हुए और ये केस लॉ बने तो पाकिस्तान की खवातीन किसके पास जाएगी? आपके उलमा नहीं बोल रहे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक फैसला है इस पे, वैसे आप लोगों को उनसे मुतालबा करना चाहिए, शरीयत कोर्ट में उनका एक फैसला मौजूद है, लेकिन वो 2 फरवरी से लेकर अब तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया इस बारे में, उनका बड़ा क्लियर उनकी एक जजमेंट है इसमें, लेकिन वो इस पे बोल नहीं रहे ये वाले केस में स्पेसिफिकली। मैं तो बिल्कुल जी आप ही सबके तवस्सुत से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हवा की बेटी है जो पाकिस्तान की 52% आवाम है, और आपके फैसले से रोशनी लेते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने वो आर्ग्यूमेंट दिया है, तो ऐसे मौके पे अगर आपका फतवा आया तो खवातीन की जो मामलात हैं निजी मामलात हैं उनको मजीद अदालतों में नहीं उछाला जाएगा और जो अल्लाह रसूल ने शरीयत में बताई है बात उसको जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। बहुत हो गई, हमने बहुत वहाँ पर बातें ऐसी सुनी है जो हम सुनना ही नहीं चाहते थे, और ख़ास तौर पर जिस दिन 29 मई को
हमारा फैसला आना था उस दिन खबर माने का कि बकवास आ गई और वो जो गाली गलौच अंदर करके गए वो आप सुन नहीं सकते। खवातीन को उसने वो इशारे किए जो अता ताड़न ने आइन के साथ खड़े होकर किए थे और बाहर आके सारे वकला के ऊपर 788 काट दी गई। इस मुल्क में कोई आइन है, कोई जमहूरियत है? जिस वक्त CCTV फुटेजेस मांगी जाए तो फिर वो गायब हो जाती है, पता नहीं किधर चली जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उलमा कराम से कि देखें, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, खवातीन की पाकिस्तान में जो आपकी बहन बेटियां इनकी इज्जतों की, इनकी शर्म की हिफाजत करने के लिए अल्लाह की तरफ से आप उससे भी सवाल होगा, हमारी तरफ से भी आपसे सवाल है कि प्लीज़ आप इस मामले में अपनी बात करें और पूरी अदालत को डायरेक्शन दें इस पर, इसमें इस्लाम की रोशनी में डायरेक्शन दें जैसे आपने पहले दी। थैंक यू।